हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू शिक्षा। सो गाइस, हिस्ट्री के ईपीएफओ ईयू 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम, एंड पार्ट वन ऑलरेडी इसका आ चुका है ना हिस्ट्री के। मैंने आपको कहा था टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे 2020 के अंदर, इसमें से 7 क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर कवर कर लिए हैं और 8 क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर कवर अप कर लेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दीज क्वेश्चन आर, क्योंकि इन क्वेश्चन की जब आप डिटेल के अंदर जाते हो तो एक तो एडिशनल नॉलेज जो मिलती है वो आपको आगे क्वेश्चन फॉर्म में हेल्प करेगा, दूसरा आपको एक पेपर को अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन मिलती है कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। सो वील क्विकली स्टार्ट। पीडीएफ फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस। पीडीएफ फाइल्स के लिए जिसको भी ऐसा लग रहा है कि सर 99 रुपीज पे नहीं करना हमें या हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो वो मुझे पर्सनली टेलीग्राम कर सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप 99 रुपीज अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, 99 रुपीज में कुछ यहाँ पर मैं पहाड़ नहीं तोड़ लूंगा कि मैं 100 रुपये आपसे ले लूंगा तो मैं बहुत उसमें पैसा कमा रहा हूँ। वो पैसा कमाने के लिए है ही नहीं, वो जिस चीज़ों के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता कम्प्लीटली, बट कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस इंडल्ज करने में काफी हेल्पफुल रहता है वो। ठीक है, चलिए सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। गांधी जीज सॉल्ट मार्च टू डांडी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। डांडी मार्च से रिलेटेड सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, गांधी मार्च की सॉल्ट मार्च आप सब जानते हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी डांडी मार्च से। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने। तो इसमें आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस डेट पे स्टार्ट हुई थी, कब डांडी पहुंचे, किस दिन पे लॉ ब्रेक किया। ठीक है, सो कहाँ से सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुई थी, बेसिक क्वेश्चन है। अगर कोई हिस्ट्री पढ़ करके गया है, सीरियस कैंडिडेट है, तो वो ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा। ठीक है, द राइट आंसर ओवर हियर गाइज इज ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। तो डांडी मार्च दोस्तों 12 मार्च को शुरू हुई थी, डेट याद रखनी है। आश्रम एट साबरमती, डांडी की तरफ रवाना हुए थे एंड फाइनली 3 वीक्स की मार्च के बाद गांधी जी रीच्ड ओवर देयर। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। हाउ मेनी पीपल स्टार्टेड टू मार्च विद गांधी जी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। आश्रम से कितने लोग चले थे, उसके बाद तो उनके साथ लाखों लोग जुड़ गए, वो अलग चीज है। आश्रम से जब महात्मा गांधी चले थे तब उनके साथ मार्च में कितने और लोग थे, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, सो जेपी नारायण, राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा, नरेंद्र देव। अगेन डायरेक्टली एनसीईआरटी स्पेसिफिक ये क्वेश्चन है, सोशलिस्ट ग्रुप का कौन पार्ट नहीं था कांग्रेस पार्टी के अंदर। सो द राइट आंसर ओवर हियर गाइस इज बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद विल बी द राइट आंसर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में, ये बेसिकली एक तरह से कांग्रेस की ग्रुपिंग थी, लेकिन इनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, मेंबरशिप अलग था, डिसिप्लिन अलग था, आइडियोलॉजी अलग था, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से अलग हैं या कांग्रेस पार्टी हमारे विद्रोह में है। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे 1948 के बाद जाकर के ये अलग हुए हैं। ठीक है, बेसिकली ये कांग्रेस से अलग क्यों हुए, जब कांग्रेस थोड़ा सा राइटिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ चलने लगी ज्यादा, और कांग्रेस के अंदर ऐसा फील होने लगा कि यार अथॉरिटेरियनिज्म ज्यादा आ गया, कि सिर्फ कुछ ही लोगों का जो राज है वो चल रहा है कांग्रेस के अंदर। तो फाइनली नासिक की एक मीटिंग में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया कि ये कंप्लीटली अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लेंगे। ओके, एंड सितंबर 1952 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये फाइनली मर्ज कर गई किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ, एंड इन्होंने एक नई पार्टी, ये दोनों पार्टीज के मर्जर से बनी, वो थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकॉलेज 1835 माइन्यूट ऑन एजुकेशन। ठीक है जी, सो कॉलेज माइन्यूट काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, नॉट रिकमेंडेड। मैंने आपको बार बार बताया यूपीएससी के अंदर आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है,
यहाँ पर ये भी हो सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकमेंडेड, अब यहाँ पर नॉट रिकमेंडेड है तो नॉट के ऊपर सर्कल कर लेना। ऑप्शन ए हो गया टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, ऑप्शन बी हो गया लिबरल लिटररी ट्रेनिंग, ऑप्शन सी हो गया टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी हो गया टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब देखो अगर आपने मैकॉले के बारे में जानते हो और ओरिएंटलिस्ट्स वर्सेस वर्सेस एंजेलिसिस्ट्स की डिबेट को आप अगर जानते हो तो डेफिनेटली आप इसको आंसर कर सकते हो, एनसीईआरटी में से डायरेक्टली इसको फॉलो अप कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैकॉले जो थे वो प्रमोट करते थे इंग्लिश एजुकेशन को, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को, वो अगेंस्ट थे ओरिएंटल एजुकेशन के। तो ओरिएंटल टेक्स्ट और ओरिएंटल एजुकेशन को तो वो चाह करके भी ना बोलते कि इसको यूज करो। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आपसे यही पूछा गया था ना कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, सो मैकॉले के माइन्यूट को अगर हम देखें या मैकॉलेज माइन्यूट की हम बात करें तो बेसिकली ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो कहते थे कि यार इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ जो लोकल लैंग्वेज है, जो इंडियन लैंग्वेजेस है और जो इंडियन स्टडीज है उनको भी एनकरेज किया जाए। ठीक है, इनफैक्ट ओरिएंटलिस्ट ये बोलते थे कि जो रूल करने आ रहे हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पर, उनको भी इस लैंग्वेज और इनके कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो एंजेलिसिस्ट थे ये क्या बोलते थे कि नहीं, वेस्टर्न साइंस जो है, वेस्टर्न लिटरेचर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वही सुपीरियर है, और वो इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन लिटरेचर को क्या समझते थे कि ये इन्फीरियर है। ठीक है जी, तो बेसिकली मैकॉले माइन्यूट में इन्होंने क्या बोल दिया, मैकॉलेज माइन्यूट में क्या बोला कि गवर्नमेंट के पास देखो लिमिटेड सोर्सेज हैं एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए, तो मैकॉले बोलता है कि ये आप वेस्टर्न साइंस को डेडिकेट करो इन रिसोर्सेज को। ठीक है, ये जो मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है इसको डेडिकेट करो, क्योंकि मैकॉले का क्या व्यू था कि इंडियन जो लर्निंग है वो तो इन्फीरियर है यूरोपियन लर्निंग से, तो इसके ऊपर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैकॉले के ही इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर किया गया स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। सरकार ने इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस ओपन करने शुरू किए, काफी कम स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन किए लेकिन वो इंग्लिश थे। ठीक है, वो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स या मास एजुकेशन को एनकरेज ही नहीं करना चाह रही थी सरकार। सरकार यहां पर किसको प्रमोट कर रही थी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंदर सरकार ने क्या बोला या अंग्रेजों ने क्या बोला कि यार हम ना कुछ अपर एंड मिडिल क्लास जो बहुत कम थे मात्रा में, अपर एंड मिडिल क्लास इंडिया में कितने लोग थे उस समय, बहुत कम थे, बहुत स्मॉल सेक्शन था, हम इनको एजुकेट करते हैं। ठीक है, हम इनको वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, इंग्लिश एजुकेशन देंगे, एंड अल्टीमेटली हम ऐसे लोग तैयार कर देंगे जो खून में और रंग में तो हिंदुस्तानी होंगे लेकिन उनके टेस्ट अंग्रेजों वाले होंगे, उनके ओपिनियंस अंग्रेजों वाले होंगे, उनके मोरल अंग्रेजों वाले होंगे और उनका इंटेलेक्ट भी अंग्रेजों वाला होगा। यानी कि ब्लड और कलर में तो वो इंडियन होंगे लेकिन टेस्ट ओपिनियन मोरल्स और इंटेलेक्ट में वो क्या होंगे, वो इंग्लिश होंगे। ठीक है, ये एक तरीके से क्या काम करेंगे, ये सरकार और जो आम जनता है उनके बीच का लिंक बनेंगे, ये उनके बीच के इंटरप्रेटर्स बनेंगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये लोग धीरे धीरे जो एजुकेशन हम इनको देंगे, जो साइंस हम इनको पढ़ाएंगे, वो धीरे धीरे ये नीचे के जो लोग हैं, जो वर्नैकुलर्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उन तक पहुंचाएंगे। अल्टीमेटली ऊपर वालों को पढ़ा दो, नीचे एजुकेशन अपने आप पहुंच जाएगी। ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये फेल हुई और ये कभी भी कामयाब हो भी नहीं सकती कि आप कुछ लोगों को पढ़ा दो और बाकी के वो अपने आप धीरे धीरे एजुकेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि जो पढ़ गए, जो टेस्ट ही जिनका आपने चेंज कर दिया, जिनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी तो वो क्यों नीचे वालों को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो रूल करना चाहते हैं ना उनके ऊपर। ओके, सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वॉज प्रमोटेड, तो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच को यहां पर बिल्कुल रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following did not represent the militant nationalist school of thought in India? इनमें से कौन militant nationalist school of thought का part नहीं था? Again not आ गया। Option A अश्विनी कुमार दत्त, B विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, C कृष्ण कुमार मित्रा and D is लाला लाजपत राय। Militant national school of thought। Okay, so answer is C कृष्ण कुमार मित्रा जो थे militant national school of thought को नहीं encourage करते थे, बाकी आपके जो अश्विनी विष्णु शास्त्री and लाला लाजपत राय जी हैं, these were from militant school of thought। Okay, so basically militant school of thought
बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इमर्ज होना शुरू हुआ। कुछ नेशनलिस्ट थिंकर्स ने यह सोचना शुरू किया कि यार देखो बातचीत तो बहुत हो गई, अब अंग्रेजों से बात करनी पड़ेगी उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में उन्होंने इंडिया को का कॉन्क्वेस्ट किया था, ठीक है, तो मिलिटेंट अप्रोच एक लेकर के चलना पड़ेगा। अब इस मिलिटेंट अप्रोच के अंदर कौन कौन थे, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे। अगर आप बंगाल में देखोगे तो बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और बिंदु घोष, बिपिन चंद्रपाल लीड में थे। महाराष्ट्र के अंदर आपके विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद पंजाब में लाला लाजपत राय आ गए और तिलक जो थे वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव बने इस मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट के। तो ये नाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद कर लो, आपके आने वाले आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिक टेनेट्स क्या थे मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट के, फॉरेन रूल के अगेंस्ट हेटर्ड, ओके, क्योंकि कोई होप नहीं मिल रही है लोकल लोगों को उससे, एंड इंडियंस को अपनी अगर उद्धार करना है तो अपने हाथ में कमान लेनी होगी। स्वराज जो है वो नेशनल मूवमेंट का गोल होना चाहिए, सेल्फ रूल, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, मासेस की कैपेसिटी में बिलीव किया जाए, क्योंकि जब ये नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आ रहा था ना उस टाइम पर क्या होता था, कांग्रेस एक मास पार्टी नहीं बनी थी, वो तो महात्मा गांधी के आने के बाद, जब महात्मा गांधी जी कहेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को जोड़ो तब की बातें हैं। उससे पहले क्या होता था, कांग्रेस जो है सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेकर के काम कर रही थी, मास कैंपेनिंग नहीं हो रही थी। तो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने क्या बोला कि मास कैंपेनिंग करो, लोगों को आगे लेकर के आओ, ये लोग जब एक साथ मिलेंगे तभी आप अथॉरिटी को चैलेंज कर पाओगे। पर्सनल सेक्रीफाइसेस की बात करते थे कि भाई जो ट्रू एक नेशनलिस्ट है, जो देशभक्त है, वो कभी भी अपने आप के बारे में ना सोचे, वो हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिचुएशन इन रियोतवारी एरिया इज करेक्ट, ठीक है, रियोतवारी एरिया से रिलेटेड कौन सी सिचुएशन करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर ए, ऑप्शन ए, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू हैंड्स ऑफ मनी लैंडर्स मर्चेंट्स एंड रिच पेजेंट्स हु यूजुअली यूटिलाइज द सर्विस ऑफ टेनेंट्स, ठीक है जी, कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड किसके पास चला गया, मनी लैंडर्स के पास। लैंडलेस लेबरर्स बिकेम द लैंड ओनर्स, जो जिनके पास जमीनें नहीं थी उन्हें जमीनें मिल गई। इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट द लैंड टू टेनेंट एट हाई प्राइसेस, ओके, लैंडलॉर्डिज्म वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं अगर मेरे को नहीं भी पता होगा ना रियोतवारी के बारे में, तब भी मैं आंसर कर देता यार लैंडलॉर्डिज्म तो इंडिपेंडेंस के बाद तक नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, तो ये कहां से खत्म हो जाना था, तो ऑप्शन डी हट गया। लैंडलेस लेबरर्स बिकेम द लैंड ओनर्स, इतने अच्छे ब्रिटिशर्स लॉज नहीं लेकर के आए, तो मैं बी को भी हटा देता क्योंकि मेरे से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट लैंड, लीजिंग आउट लैंड अगेन इट वॉज द करेक्टरिस्टिक फीचर जो एग्रीकल्चर में हमेशा रहा, चाहे कोई भी सिस्टम आया हो, लेकिन लीजिंग आउट द लैंड कभी खत्म नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है, सही आंसर इसका ये है ए, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड जो है वो फार्मर से मनी लैंडर्स के पास चला गया। कैसे, रियोतवारी सिस्टम को समझो, अपने आप समझ आ जाएगा। तो रियोतवारी सिस्टम के अंदर क्या था, ये सिस्टम सबसे पहले तो लेकर के कौन आया, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ये सिस्टम को लेकर के आए 18वीं सदी के एंड में, और थॉमस मुनरो ने इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम के अंदर क्या था, लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फार्मर देगा, जैसे परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम के अंदर तो कौन देता था, जमींदार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था फिर वो जाकर के अंग्रेजों को देता था। यहां पर इन्होंने मिडलमैन को हटा दिया, इन्होंने बोला कि डायरेक्ट जो फार्मर है वो ही आकर के डायरेक्टली रेवेन्यू पे करेगा, ठीक है। अब जो रियोत था, जो कल्टीवेटर को रियोत यहां पर बोला गया, उसके पास पूरे राइट्स थे कि वो अपना जमीन बेच सकता है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, या वो किसी को भी लैंड लीज के ऊपर दे सकता है, ठीक है। उसको आप लैंड से एविक्ट नहीं कर सकते जब तक वो अपना रेंट प्रॉपरली पे कर रहा है। सिस्टम सदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट था, पहली बार तमिलनाडु के मद्रास में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और धीरे धीरे इसको महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, कुर्ग, आसाम में एक्सटेंड किया गया। एडवांटेजेस क्या थे, मिडलमैन हट गया तो ऑपरेशन हट जाएगा, विलेजर्स का ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन इश्यूज क्या थे, एक तो बहुत सारी पावर सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स को दे दी तो करप्शन बढ़ गया, दूसरा यहां पर जो महाजन्स और मनी लेंडर्स थे वो कल्टीवेटर को लोन देते थे कि भाई ठीक है तू अपनी जमीन पे फसल उगा, लेकिन एग्रीकल्चर इतना प्रॉफिटेबल था नहीं, तो अल्टीमेटली किसान को मजबूरन आकर के अपनी जमीन जो है वो मनी लेंडर को बेचनी पड़ती थी, और अगर या फिर वो लोन डिफॉल्ट कर देता था तो मनी लेंडर उस जमीन पे कब्जा कर लेता था। इसीलिए आंसर के अंदर जो ये पॉइंट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर्स, ये सही है,
क्योंकि मनी लेंडर से जो पैसा लिया वो चुका पाएगा नहीं। फार्मर के पास राइट है कि वो अपना लैंड बेच सकता है, वो रियोतवारी के अंदर लिखा हुआ था। तो अल्टीमेटली मनी लेंडर उस लैंड के ऊपर कब्जा कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 के अंदर सोशल सर्विस लीग बॉम्बे के अंदर किसने फॉर्म की? ऑप्शन ए जीके गोखले, बी एस ए डैंग, सी एन एम जोशी, डी एम आर जयकर। सो द राइट आंसर गाइज ओवर हियर इज ऑप्शन सी एन एम जोशी। एन एम जोशी इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जो पूरे का पूरा टॉपिक है आपके एग्जाम के अंदर। ओके, सो एन एम जोशी का पूरा नाम था नारायण मल्हर जोशी। इन्होंने सोशल सर्विस लीग की फाउंडेशन की थी बॉम्बे के अंदर। इसका मेनली एम क्या था कि जो मासीज हैं, जो लोग हैं, उनकी लाइफ और उनके वर्क, कंडीशन ऑफ लाइफ और कंडीशन ऑफ वर्क को अच्छा करा जाए। स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, डे नर्सरीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन्होंने शुरू किए। उसके अलावा ये लोगों को कोर्ट केसेस में हेल्प करते थे, गरीब और अनपढ़ लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करने का काम करते थे, जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनकी हेल्प करना, जिम्स खोलना, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, सैनिटरी वर्क, ठीक है, इन सब चीजों में ये हेल्प करते थे। एन एम जोशी इज ऑल्सो अटैच टू द फाउंडेशन ऑफ ए आई टी यू सी। एन एम जोशी एक बहुत अलग टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिटेल में हम आगे कभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स इन द कांग्रेस पार्टी? नॉट, नॉट पूछा है जी, नॉट। तो एक तो सबसे पहले यहां पर दो पार्टीज आ जाती हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, एक को बोलते थे नो चेंजर्स और एक थे स्वराजिस्ट, ठीक है। तो आंसर यहां पर आपका क्या है? आंसर यहां पर आपका ऑप्शन डी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? वो स्वराजिस्ट थे, ठीक है। आपसे यहां पर पूछा कि नो चेंजर्स में कौन नहीं था, तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू स्वराजिस्ट में थे। तो स्वराजिस्ट और नॉन चेंजर्स क्या थे आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, ठीक है, तो स्वराजिस्ट कुछ लोगों ने बोला कि देखो जी, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, ठीक है, अब हमें सरकार के अंदर घुस करके काम करना चाहिए कि हम काउंसिल एंट्री करेंगे, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और सरकार के अंदर घुस के सरकार का विद्रोह करेंगे, जनता तक बातें लेकर के आएंगे। नो चेंजर्स क्या थे? नो चेंजर्स कहते कि नहीं, हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क में जाएंगे, हम जनता की सेवा करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, हम सरकार में बाबू बन करके नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये आपके स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स थे। स्वराजिस्ट यानी कि काउंसिल एंट्री को एनकरेज करने वाले ग्रुप में थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। और नो चेंजर्स के अंदर थे आपके सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी। ये नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? कैबिनेट मिशन जो है, देखो तीन लोगों का ग्रुप था, तीन मेंबर्स का ग्रुप था, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या बताना है कि कौन मेंबर नहीं था। ओके, सो ऑप्शंस आपके पास पेथिक लॉरेंस, बी स्टॉफर्ड क्रिप्स, सी ए वी अलेक्जेंडर, डी लॉर्ड वेवेल, ठीक है। अगेन ये हलवा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर एक सीरियस कैंडिडेट है और अगर वो इसको आंसर नहीं कर रहा, तो बेटा प्रिपरेशन के अंदर बहुत बड़े फॉल्ट्स हैं, मतलब प्रिपरेशन हुई नहीं है, वो हिस्ट्री पढ़ करके नहीं गया, मैं तो यही बोलूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था कि भाई अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था ना, एक फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन था, सडनली मेरे दिमाग से बाहर जो है वो निकल गया है। लेकिन काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रीट क्वेश्चंस होते हैं, और अगर वो आंसर नहीं कर रहे हो तो देन डेफिनेटली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। लॉर्ड वेवेल तो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वॉइस रॉय थे, ओके। सो कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं थे। सो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो एटली सरकार, एटली उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने 1946 में एक डिसाइड किया कि एक कैबिनेट मिशन बना करके भेजेंगे जिसमें तीन कैबिनेट मेंबर होंगे। उनमें कैबिनेट मेंबर्स में पेथिक लॉरेंस थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय इंडिया के, स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे, और ए वी अलेक्जेंडर ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरेबिलिटी थे, इनको चुना गया था। और इनका काम क्या था कि ये इंडिया में जाएं और देखें कि कैसे नेगोशिएशन की जा सकती है ताकि एक सेफ ट्रांसफर ऑफ पावर, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया में कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर ये काम करने के लिए यहां पर आए थे। पेथिक लॉरेंस जो है इस कैबिनेट मिशन के चेयरमैन थे। वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन का चेयरमैन कौन था, तो आपको याद रखना है कि पेथिक लॉरेंस, क्योंकि सबसे सीनियर यही थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, सबसे बड़ी पोस्ट के ऊपर यही थे,
तो डेफिनेटली इन्हीं को हम अपना जो है वो बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे. ऑल राइट, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, एंड विद दिस वी आर डन विद द 15 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ईपीएफओ एओईओ 2020. अगेन आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो वो भी यार कमेंट में बता दिया करो, एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल कर सकते हो. पीडीएफ मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय.